अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग आए हैं डेक्कन ट्रेल्स नाम के एक रिसॉर्ट पे, जो नेचर और एडवेंचर बेस्ड रिसॉर्ट है, हैदराबाद से 60 किलोमीटर दूर। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे पहुँचना किस तरह से है, रोड कैसा है, और फिर मैं आगे आपको रिसॉर्ट दिखाऊंगा। हैदराबाद से आपको लेना है विकाराबाद रोड, जो मोइनाबाद और शेवेला होके गुजरता है। शेवेला जब आप पहुँचेंगे वहाँ तक रोड तो अच्छा है, लेकिन सिटी में थोड़ा रोड जो है ये टाउन में काफ़ी ख़राब है। चेवेला जब आप क्रॉस कर देंगे उसके बाद आपको मानेगुड़ा टाउन तक जो है स्ट्रेट से जाना है, और रोड का सरफेस इतना कुछ अच्छा नहीं है, काफ़ी सारे टर्न्स है रोड पे, तो स्पीड जो है आपकी 60 to 80 के बीच में वेरी करती रहेगी। बट अदरवाइज़ ऐसे कोई बड़े खड्डे भी नहीं है रोड पे, इतने बड़े पॉटोज भी नहीं कि आप कोई नॉर्मल सेडान या हैचबैक को नहीं लेके जा सकते। ठीक है, रोड काफ़ी रोड जो है अच्छा है, सीनिक है, दोनों साइड पे आपको अलग अलग प्लांट्स और झाड़ सब दिखेंगे। मानेगुड़ा क्रॉस करने के बाद आपको राइट हैंड साइड पर जेके फंक्शन हॉल होगा, और लेफ्ट साइड पे आपको ये डेक्कन ट्रेल्स का बोर्ड नज़र आएगा। तो ये विलेज वाला जो इंटरनल रोड है आपको ये लेना है, और ये करीब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आपको अंदर जाना है। ओवरऑल अभी तक हम लोग 60 किलोमीटर आ गए हैं, तो इंटरनल रोड भी जो है काफ़ी ब्यूटीफुल है और अच्छा है दिखने में। यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है। एक और राइट आपको लेना पड़ेगा, वहाँ पे भी प्रॉपरली बोर्ड लगा हुआ है, तो ये जो प्रॉपर्टी है आपको ढूंढने में कोई भी मुश्किल नहीं आनी चाहिए। अब ये रोड जो है थोड़ा कच्चा टाइप का रोड है, लेकिन कोई भी सेडान या हैचबैक में आप इस रोड पे आ सकते हैं, और एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग भी है यहाँ पे, तो थोड़ा केयरफुली आप जाइए। मेरे पास तो फोक्स वैगन वेंटो है जिसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है, तो मुझे तो कोई मुश्किल नहीं आई ये सब क्रॉस करने में। तो आपके पास भी कोई भी कार होगी या कोई हैचबैक सेडान होगी तो आप इजीली क्रॉस कर सकते हैं, नेसेसरी नहीं कि आपके पास एसयूवी ही हो। ये जो आप सामने देख रहे हो ये ही है वो प्रॉपर्टी जहाँ हम आज आए हैं, डेक्कन ट्रेल्स। ये गेट है उनका, और ये पूरा कंपाउंड वॉल जो सामने से आप देख सकते हैं। एंटर करते ही आपको जो है बहुत ही एक ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिलता है, दोनों साइड पे अच्छे से बड़े बड़े झाड़ जो है पेड़ लगे हुए हैं, और यहीं से आपको राइट मारना है, और सामने जो कार्स नज़र आ रहे हैं वही है पार्किंग लॉट। यहाँ पे हम अपनी कार छोड़ देंगे और आगे जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो कार पार्क पे ये बैनर लगा हुआ है, जो जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे है वो सब यहाँ पे लिस्टेड है। तो आइए देखते हैं एक्चुअल में क्या क्या एक्टिविटीज़ है और कितना मज़ा आता है यहाँ पे हमको। डेक्कन ट्रेल के पास जो है बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस है, तो बसेज़ और कार्स के लिए तो कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए। अंदर जैसे ही पार्किंग लॉट से आगे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सभी के लिए सब बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ बच्चे ही इनको यूज़ कर सकते हैं। और इसके पीछे जो ये ग्राउंड है यहाँ पे बहुत सारे टेंट्स है। एक्चुअली ये 1 जनवरी को मैं यहाँ पर आया हूँ, और ये सब टेंट्स जो है ये सब 31 जो मनाए हैं लोगों ने यहाँ पर न्यू ईयर आके, उसके लिए थे टेंट्स। कुछ इस तरह से अंदर है, ट्विन शेयरिंग वाले टेंट्स है, और अंदर मैट्रेस वगैरह है। इसके ऑपोजिट में भी बहुत सारे टेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कैंपिंग की। यहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट भी है पार्किंग के एग्जैक्टली ऑपोजिट। अभी तक रजिस्ट्रेशन काउंटर नहीं पहुँचे, काफ़ी अंदर है वो, और थोड़ा आगे आप आएंगे तो और बहुत सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कुछ रोप्स लगे हुए हैं, लोग उन पर चल रहे हैं, कुछ रोप्स पे ऊपर लोग लेटे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमको रजिस्ट्रेशन ही करना है, क्योंकि अभी हम आए हैं और हमने रजिस्टर नहीं किया और कुछ भी पैसा नहीं भरे। तो यहाँ पे एक्चुअली कोई है नहीं अभी फ़िलहाल, मतलब देखने वाला कि कौन आ रहा है कौन नहीं, बट पहले हम लोग जाके रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लेते हैं। एडल्ट्स का जो है हम लोगों को बड़ा 1050 रुपीज़ पर हेड, और बच्चों का जो 5 ईयर्स के ऊपर है उसका 900 है। तो ओवरऑल 5 एडल्ट्स एंड 2 किड्स का हम लोग को पड़ा 6900 अप्रॉक्सीमेटली। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है ये तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आराम से जान जाएंगे, लेकिन इसमें खाना पीना जो है, इसमें आपको लंच मिल जाएगा और जो है इवनिंग स्नैक्स मिल जाएंगे। ये सामने जो आप देख रहे हैं यही है उनका बुकिंग ऑफिस, यहाँ पे आपको आना है एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट पार्किंग से आकर, यहाँ पे आपको फ़ीस वगैरह भर के जो है यहाँ पे एडमिशन ले लेना है। बुकिंग ऑफिस के आगे राइट साइड में थोड़ा ये कैंप फायर सेक्शन है, यहाँ पे कल रात में लोगों ने आग जलाई थी, तो आप बीच में देख सकते हो। और बुकिंग ऑफिस के एग्जैक्टली अगर आप सामने देखेंगे तो लेफ़्ट साइड पे जो हट दिख रहा है उसमें टेबल टेनिस का एक टेबल लगा हुआ है, और राइट साइड में एक शैक है, और लेफ़्ट साइड थोड़े और टेंट्स है, और ये टेंट्स के पीछे भी जो है एक वॉलीबॉल का नेट, और पीछे जो है कुछ स्लाइड्स वगैरह है जो इतने कुछ ग्रेट कंडीशन में नहीं है। तो आइए सब चीज़ें एक एक बार ट्राई करके देखते हैं। ये अच्छा है, ये वो रोप है जिसपे ऊपर रोप्स लगे हुए और पकड़ पकड़ के चलना है। ये है ट्रैम्पोलिन,
और एक बात बता दूँ, यहाँ पे बहुत सारे ट्रैम्पोलिन हैं। हम लोग जो शैक में दोपहर में रेस्ट करेंगे उसमें भी एक ट्रैम्पोलिन लगा हुआ है, तो अगर आप ट्रैम्पोलिन पे उछलना कूदना पसंद करते हैं तो यहाँ पे आपको उसकी कमी तो बिल्कुल महसूस नहीं होगी। गेम्स में जो है सबसे पहले हमने खेला बैडमिंटन, और अगर आप बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं तो काफ़ी अच्छा स्पोर्ट है, मज़ा आएगा छोड़ दे आपको यहाँ पे। अरे और उसके बाद हमने खेला थोड़ी देर फुटबॉल, फुटबॉल के बाद थोड़ी देर की बॉक्सिंग की प्रैक्टिस। और ये पंचिंग बैग तो था बहुत ही हार्ड था, जिसकी वजह से कोई इस पर पंच करता हुआ मुझे नहीं दिखाई दिया, सिर्फ लोग इस पर किक ही कर रहे थे और जूतों के सब निशान पड़े हुए थे इस पर। तरफ जो है प्ले एरिया, टेंट, ये सब हो गया, बुकिंग काउंटर हो गया। अभी हम लोग थोड़ा ऊपर जा रहे हैं ट्रेल की तरफ, और ऊपर जो है बर्मा ब्रिज है, तो चलिए चलते देखते कैसा है बर्मा ब्रिज। बर्मा ब्रिज जो है उसकी हाइट कुछ ज़्यादा नहीं है, दो पेड़ों के बीच में, झाड़ों के बीच में इसको बांधा गया है, और छोटे बड़े सब लोग जा सकते हैं इसके ऊपर, इस पे पैर रखना, एक पैर इधर मतलब इस रखना, पे कोई एज दूसरा पैर रेस्ट्रिक्शन इधर नहीं आना। है। एक 6-7 साल के ऊपर के बच्चे और फिर बड़े बुजुर्ग कोई भी जा जाते रहो सकते हैं इस पे। जॉइंट के अंदर आना, हाइट ज़्यादा नहीं होने की वजह से क्या होता है कि डर नहीं जॉइंट के लगता अंदर इंसान आना, को, जितनी ज़्यादा हाइट होगी थोड़ा पैर उतना लंबा नहीं ज़्यादा होगा। डर लगता है। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, एज रेस्ट्रिक्शन नहीं होना एक मुझे एक प्लस पॉइंट लगा यहाँ पे, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी जो है कोई भी एज के इंसान कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। बैलेंसिंग बोर्ड। बैलेंसिंग बोर्ड भी जो है काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है, मतलब बच्चों के लिए बड़ों के लिए कोई भी कर सकता है, और एक्चुअल में आपका बैलेंस इसमें बहुत अच्छा होना चाहिए, हाथ और पैर के कोऑर्डिनेशन के साथ आप आगे बढ़ते रहते हैं। वैली क्रॉसिंग है ये, वो अलग बात है, वैली जो है कुछ गहरी नहीं है, नीचे जमीन है। वैली क्रॉसिंग रिलेटिवली काफ़ी इजी था, क्योंकि ऊपर और नीचे के जो रोप्स है वो बहुत स्टिफ है, तो कोई उसमें इशू आया ही नहीं वैली क्रॉस करते मैं टाइम। मैं कर सकता हूँ, बस हो गया, बस अय्या अय्या हो गया। अब हम डाइनिंग एरिया में आ गए हैं, और ये यहाँ का डाइनिंग एरिया है, सामने जो ग्रीन मार्बल है इसके ऊपर खाना लगने वाला है बुफे, और सब चेयर्स और टेबल्स जो लगे हुए हैं यहाँ पे हम बैठ के खाना खाएंगे। और डाइनिंग एरिया के पीछे जो है एक गार्डन बनाया है इन्होंने, और छोटा सा ये गार्डन है, कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, और गार्डन के पीछे जो एरिया है उसमें भी कुछ लोग जो है बैठ कर खाना खा रहे हैं, तो आप चाहे तो डाइनिंग एरिया में भी खाना खा सकते हो या बाहर लेके भी खा सकते हो। राइस है और ये भाजी, ये पनीर पुलाव है, पुलाव, ये भाजी, पनीर और पूरी अभी दो, और ये वाइट राइस और सैलेड, दाल और चिकन पापड़ और पापड़। मीठे में जो है फ्रूट का कस्टर्ड था, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये ठंडा नहीं था, रूम टेम्परेचर पे था, ठंडा होता तो इसका मज़ा कुछ और ही आता। इस टाइप के शैक्स भी है अगर आप डे टाइम यूज़र है ये इस जगह के, मतलब डे में आप अगर आते हो, वन नाइट स्टे आप नहीं कर रहे हो, तो इस टाइप का आपको शैक भी दिया जाता है। और यहाँ पे ऐसे खटिया वगैरह रखे हुए बेड्स, लेकिन बहुत ही अनटाइडी जैसा कुछ लग रहा है। खाने के बाद सोचा थोड़ी देर कैरम खेल लेते, क्योंकि खाना खाने के इमीडिएटली बाद कोई फिजिकल एक्सरसाइज करना ठीक नहीं है, और कैरम खेलने के बाद मैंने सोचा कि चलो साइकिल्स ढूंढते हैं, तो साइकिल तो नहीं मिले लेकिन कुछ बर्ड्स मिल गए, तो यहाँ पे कुछ बर्ड्स वगैरह इन्होंने रखा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज़ टर्की एंड ये डक है, और हैन भी है, और कुछ एनिमल्स भी है, मतलब काउज है, बुल है, तो शायद यहाँ पे जो मिल्क वगैरह है लोग उसके लिए इसको रखा है इन्होंने, तो अच्छी जगह है अगर आप नेचर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो। देख सकते हो आप पीछे ये सब गाय बैलों के लिए तबेला बनाया है इन्होंने, पता नहीं हो सकता है नंबर ऑफ़ एनिमल्स पहले ज़्यादा होते होंगे कम कर दिया, या उनका प्लान कुछ और था। प्रॉपर्टी जो है काफ़ी बड़ी है, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 25 एकर्स पे फैली हुई है, और यहाँ पे भी कुछ परमानेंट हाउसेज जैसा है,
शायद वहाँ पे भी गेस्ट जो है वो रुक सकते हैं। शाम के कुछ 5 बज गए और चलिए प्रॉपर्टी के ऊपर की तरफ चलते हैं और कुछ और चीज़ें देखते हैं। जंगल ट्रैक भी यहाँ पे है लेकिन अभी जो टाइम हो रहा है अंधेरा जल्दी होने वाला है और वो चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है। ये जो लोग आपको सामने नज़र आ रहे हैं ये लोग अभी आए हैं, ये लोग ओवरनाइट स्टे करने वाले हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे ओवरनाइट स्टे भी कर सकते हो। और उसके टैरिफ वगैरह के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, उसके वेबसाइट पे जाके, इस प्रॉपर्टी के वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ऊपर की तरफ जो है आप वॉक करके भी जा सकते हैं और अपनी जो कार है उसको भी लेके जा सकते हैं। रोड थोड़ा रफ़ है लेकिन आप अगर एक सेडान है आपके पास या हैचबैक है तो उसको भी लेके जा सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आपके पास एसयूवी ही हो। और क्योंकि मैं फोक्सवैगन वेंटो ऊपर लेके जा रहा हूँ तो आप एक अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि किस टाइप का रोड है, तो ड्राइवेबल रोड है और तो आपको थोड़ा एडवेंचरस भी लगेगा। और ऊपर जो एक टेबल लैंड जैसा है ऊपर के साइड में, हम लोग पहले भी गए थे जब हमने बर्मा ब्रिज वगैरह देखा था, लेकिन अब ये दूसरा साइड है और ये साइड ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा मुझे उस साइड से भी। तो कार यहाँ पे ऊपर टेबल टॉप पे आ गई है और सामने जो है कुछ कॉटेजेस वगैरह दिख रहे हैं, तो चलिए चलते हैं देखते हैं क्या क्या कॉटेजेस है और क्या क्या यहाँ पे एक्टिविटीज़ है। ये जो टेबल लैंड वाला एरिया है ये ऊपर वाला है, यहाँ से यहाँ पे चल के भी आ सकते हैं और कार में भी। और यहाँ पे ग्रुप टेंट्स है, ये जो आप देख रहे हैं डॉर्मेटरी टाइप, तो इसके लिए भी है इनके पास पैकेजेस। और ये जो है मचान जैसा है, यहाँ से आप बैठ के सनसेट देख सकते हो। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये झाड़ के पीछे सन है, कार ऊपर आ सकती है। और सामने जो है पूरा जंगल और वहाँ पे भी एक छोटा सा हट जैसा बनाया है इन्होंने। मचान के ऊपर से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू सामने की तरफ। अगर कभी आप महाबलेश्वर गए होंगे तो इस टाइप का व्यू वहाँ से भी देखने को मिलता है, हालांकि ये उतना हाइट पे नहीं है हम लोग जहाँ पे है अभी, लेकिन फिर भी ये जो व्यू है जंगल का, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है ये। और ये जो प्रॉपर्टी है डेक्कन ट्रेल्स की, इसके एग्जैक्टली पीछे से ये फॉरेस्ट जो है शुरू होता है। अब आते हैं उस एक्टिविटी पे जो इस रिसॉर्ट में मुझे सबसे अच्छी लगी, वो है रॉक क्लाइंबिंग। इस एक्टिविटी का नाम रॉक क्लाइंबिंग है लेकिन एक्चुअली ये वॉल पे आपको क्लाइंब करना है। रॉक क्लाइंबिंग वाले जो जैसे प्रैक्टिस करते हैं वॉल पे, ऐसा है ये। और दो पुलिस है ऊपर की तरफ, तो दो लोग साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं, बट एक ही रोप लगी हुई थी। तो देखो अभी तुम्हारा भाई कैसे फटाफट चढ़ता है ऊपर। ये पूरा वॉल जो है इस पे जो ये पकड़ने के लिए और पैर रखने के लिए लगी हुई है चीज़ें, इनको क्या बोलते एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट अलग अलग शेप्स और साइज़ के हैं। और उस पर आपको जो है अपना बैलेंस बनाते हुए अपनी बॉडी को खींचते हुए ऊपर चढ़ना होता है। और इसमें आपके पैरों के और हाथों के और बैक मसल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आपका वेट जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, बट इट इज़ टोटली सेफ क्योंकि रोप्स जो है आपको सपोर्ट करती है अगर आप गिर जाते हो तो अगर आप लटकोगे तो कोई फिक्र की बात नहीं है, ईजिली आप उतर सकते हो। ये जो पूरा वॉल है इस पर ऊपर चढ़ने के लिए मुझे 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगा। यहाँ पे थोड़ा मैं वीडियो को फास्ट कर दिया हूँ ताकि आपको उतना देर वीडियो ना देखना पड़े। तो फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ का ये एक्सपीरियंस था और मुझे पता है टाइम शायद थोड़ा ज़्यादा लगा होगा। देखो बेल बजाने चले गए, ऊपर एक बेल लगा के रखी है इन्होंने, वो बेल जो है बजाने के बाद आपको हाथ छोड़ देना है दीवार पे से और फिर रोप को पकड़ना है और ये धीरे धीरे जो है आपको नीचे उतार देते हैं। और ये जो वॉल है देख सकते हैं आप कितनी ऊंची है, ज़्यादा ऊंची भी नहीं। और इसके सामने जो ये प्रॉपर्टी है इसमें पूरा टेबल लैंड और लेफ्ट साइड पे जो कॉटेजेस है वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। लेफ़्ट साइड के जो कॉटेजेस है ये सब ही ट्विन शेयरिंग वाले हैं, देख सकते हैं आप। एक सोलर वाटर हीटर भी देख रहा है पीछे की तरफ और ये सब कॉटेजेस है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि हर कॉटेज का अपना एक इलेक्ट्रिक मीटर है। देखिए ट्विन शेयरिंग लिखा है और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है खाने वाने को लेके,
सामने जो है जंगल का एरिया है, तो खाना वगैरह बाहर आप छोड़ेंगे तो कोई एनिमल्स भी आ सकते हैं शायद। और ये सब कॉटेजेस इतने सारे लाइन में लगे हुए, सारे ट्विन शेयरिंग वाले हैं। और जो इसका कैनवस वगैरह जो है, जिसका मटेरियल है, काफ़ी अच्छा है। और ज़िप वाला इसमें सिस्टम दिया हुआ है ताकि अंदर जो है मॉस्किटोज़ वगैरह ना आए। और देख सकते हैं आप, बाहर एक वरांडा भी है, आप यहाँ बैठ के सनसेट सनराइज़ वगैरह सब देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। और टेंट को जो है रोप से बांधा हुआ है, नीचे रेड ब्रिक का इस्तेमाल किया है बेस के लिए। एक एक्टिविटी और है यहाँ पे ऊपर के टेबल लैंड पे, वो है कमांडो नेट। तो ठीक है, इतनी कुछ खास नहीं। अब कार लेके जो है हम वापस नीचे आ रहे हैं, और आप देख सकते हो एक्चुअल में कैसा है ये रोड। अराउंड 5:45 हुआ है या 6 बज रहे होंगे शायद। और देख सकते हैं आप, इजीली जो है आपकी सेडान या हैचबैक जो भी होगी वो आ सकती है, रोड का ही इस्तेमाल कर सकती है। और नीचे आने के बाद हमको गर्मा गर्म पकौड़े दिए गए, और सच बोलूँ तो ये पकौड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, मुझे बहुत पसंद आए। और चाय भी काफ़ी अच्छी थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, डेक्कन ट्रेल्स का जो एक्सपीरियंस है मेरा काफ़ी अच्छा रहा। मैं बोल सकता हूँ कि मैं 60-70% जो है सेटिस्फाइड रहा इस एक्सपीरियंस से। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप अकेले आएंगे तो इतना आपको मज़ा नहीं आएगा, डिपेंड करता है आपका नेचर कैसा है। बट मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सटेंडेड फैमिली के साथ आए, और या फिर फ्रेंड्स के साथ आए बहुत सारे, तो उनके साथ आप ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, कुछ एडवेंचर कर सकते हैं, कुछ स्पोर्ट्स कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, अकेले आएंगे तो इतना शायद मज़ा नहीं आएगा। और मुझे एक चीज़ लगी कि इसका जो पर हेड प्राइस है 1000 रुपीज़ प्लस, वो थोड़ा एक्सपेंसिव लगा। हालांकि वो लोगों को मैंने डिस्काउंट के लिए पूछा था, बट उन्होंने कहा कि क्योंकि आज 1 जनवरी है और छुट्टी का दिन है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, इसलिए हम आपको डिस्काउंट नहीं दे सकते। एनीवेज़, आई वॉज सेटिस्फाइड विद दी एक्सपीरियंस एट डेक्कन ट्रेल्स, और मैं डेफिनेटली यहाँ पे फिर से आना चाहूँगा अगर ये लोग मुझे एक अच्छा डिस्काउंट दे तो। कैसा लगा आपको डेक्कन ट्रेल्स का ये मेरा वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास कोई सजेशंस है इससे बेटर प्लेस के लिए तो वो भी बताइए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो, इसको शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इस टाइप के और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।